हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ चीज़ी पालक कटलेट बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत अच्छी रेसिपी है, पालक के गुणों से भरपूर है और ये खाने में भी बहुत अच्छी लगेगी। इसको बनाने के लिए मैंने फ्रेश पालक लिया है, इसको हमने अच्छी तरह धो लिया है। एक बोल करीब पालक है, 4 मैंने आलू लिए हैं, इसको उबाल कर और छिल लिया है। 100 ग्राम लगभग हमने पनीर लिया है और इसको एक चीज़ी टेस्ट देने के लिए मैं इसमें मोज़रेला चीज़ यूज़ करूँगी। इस सभी को हम बाद में ग्रेट करेंगे। साथ ही मैंने 1 कप ब्रेड क्रम्स लिए हैं, इसको मैंने घर में तैयार किया है। इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। 1 प्याज को काट लिया है, 4 कलियाँ लहसुन, छोटा सा अदरक और कुछ मैंने हरी मिर्च ली हैं, लगभग 5-6 हरी मिर्च ली हैं। और मसालों में मैंने लिया है थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर, यानी 1/4 चम्मच है ये, 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, हम हरी मिर्च भी यूज़ कर रहे हैं, 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, 1 छोटा चम्मच मैंने गरम मसाला लिया है और 2 छोटा चम्मच नमक लिया है। आप अपने स्वाद के अनुसार नमक को ले सकते हैं। सबसे पहले देखिए, पालक को मैंने काट लिया है, थोड़ा रफली इसको मैंने चॉप किया है और नमक में से थोड़ा सा नमक हम इसके अंदर डालेंगे और पालक को हमें सॉफ्ट करना है, यानी हम इसको कम आंच पर रखेंगे और इसमें लगभग 2 चम्मच पानी डाल देंगे, जिससे पालक अच्छी तरह और जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। और इसको ढककर हम लगभग 2 मिनट के लिए बिल्कुल कम आँच पर पकने देंगे। ये हम इसको ढक देंगे और इसको 2 मिनट हम छोड़ देंगे। अब इधर पालक इतने सॉफ्ट हो रहा है, हम ये तैयारी करना शुरू करते हैं। आलू को हम कस लेंगे। ये सभी आलू मैंने कस लिए हैं और पनीर और चीज जो हमने लिया है इसको हम अलग एक प्लेट पर कस लेंगे। देखिए, चीज मैं इतना ले रही हूं, बाकी का मैं हटा दूंगी। आप अपने स्वाद के अनुसार चीज को कम या ज्यादा कर सकते हैं। और पनीर लगभग मैंने 100 ग्राम लिया है, ये सारा मैंने पनीर ग्रेट कर लिया है। और इधर देखिए, पालक सॉफ्ट हो गया है, इसको हम ठंडा होने देंगे। और जब बिल्कुल ठंडा पालक हो जाएगा तो उसको हम अच्छी तरह निचोड़ कर और इस तरह से ब्लेंडर में डाल देंगे, क्योंकि हमें इसका पेस्ट तैयार करना है। और जो ये पानी बचा है इसको हमें फेंकना नहीं है, इसे हम आटा गूंथने में या सब्जी में, किसी करी बनाने में हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी न्यूट्रिशियस है। पालक के साथ ही हम इसमें प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च सभी को डाल देंगे और इसको हम अच्छी तरह से पीस कर एक पेस्ट तैयार करेंगे। देखिए कितना बढ़िया, एकदम कलर भी बहुत अच्छा आया है और हमने पालक का पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम बोल लेंगे जिसमें हमने आलू को कसकर तैयार किया था, उसमें हम इस पेस्ट को डाल देंगे। और अब इसमें बारी आती है मसालों की, सभी हम इसमें मसाले डाल देंगे। बस आप ये जरूर ध्यान रखें, क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्च भी यूज़ की है, तो आप मिर्च का जो प्रपोर्शन है, यानी हरी मिर्च और लाल मिर्च, वो आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब ब्रेड क्रम्स में से हम पहले थोड़े क्रम्स डालेंगे। और जो हमने पनीर कसा था, पनीर हम इसमें मिक्स करेंगे। चीज़ अभी हमें इस मिक्सचर में चीज़ को बिल्कुल भी नहीं डालना है। और इसको हम सभी को अच्छी तरह से मिक्स करके और एक डो तैयार करेंगे। इसके मॉइस्चर के अकॉर्डिंग हम इसमें ब्रेड क्रम्स ऐड करेंगे, यानी अगर ये हमें ज़्यादा गीला लग रहा है तो उस हिसाब से हम इसमें ब्रेड क्रम्स मिला लें, क्योंकि ब्रेड क्रम्स हम इस पूरे डो को बाइंड करने के लिए, यानी इसको हम बांधने के लिए यूज़ कर रहे हैं। और ये हमने बढ़िया तरह से डो को तैयार कर लिया है। और इधर हमने जो पनीर और चीज़ लिया था उसको हम मिक्स कर लेंगे, क्योंकि इससे हमें स्टफिंग करनी है। जो हम पालक कटलेट्स बना रहे हैं उसके अंदर हम चीज़ और पनीर मिक्स करके स्टफिंग करेंगे। और ये मैंने 1 छोटा सा चम्मच ऑयल लिया है, कुकिंग ऑयल है, इससे मैं अपनी पाम को ग्रीस करूंगी, जिससे कि कटलेट बनाने में आसानी रहेगी। देखिए इस तरह से हाथों को हम ग्रीस करेंगे। और अब हम ग्रीन, जो हमने एक डो तैयार किया है, उस डो से हम थोड़ा सा
एक बोल उठाएंगे और उसको हथेलियों पर फैलाते हुए इस तरह से तैयार करेंगे कि थोड़ा सा उसको हम चौड़ा फैला लें, जिससे कि अंदर हम पनीर और चीज़ को फिल कर सकें। ये देखिए, इस तरह से हथेली पर हम इसको फैला लेंगे और अब इसके अंदर हम पनीर और चीज़ वाले मिक्सचर से उठाकर थोड़ा सा इसके ऊपर रखेंगे और ये स्टफ़ इसको करते हुए और चारों तरफ से सील करते हुए स्टफिंग को हम अच्छी तरह से भर लेंगे। बस ये हम ध्यान रखें कि जो हमने अंदर स्टफिंग भरी है कि ये कहीं भी इधर उधर से थोड़ा सा भी निकले नहीं, नहीं तो जब ये कढ़ाई के तेल में, गर्म तेल में जब जाएगा तो चीज़ यहीं से बाहर निकल जाएगा। अच्छी तरह से रोल करते हुए और इसको सील करते हुए हम एक कटलेट या एक टिक्की की शेप इसको दे देंगे। ये देखिए, चारों तरफ से इसको हमने बढ़िया तरह सील कर लिया है और इस तरह से एक कटलेट हमने बनाकर तैयार कर लिया है। और अब बस यही प्रोसीजर हम बार बार दोहराएंगे और इसी तरह से हम सभी कटलेट्स को बनाकर तैयार करेंगे। हथेलियों पर फैलाएंगे अच्छी तरह से उसको, बीच में उसमें हम स्टफिंग भरेंगे। मैं बिल्कुल इतना श्योर हूँ कि जब ये मैंने बनाए थे तो बच्चों को भी बहुत पसंद आए और बहुत अच्छी तरह से खा लिया इसको। हाँ, लेकिन आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो देखिए, आप मिर्च, क्योंकि इसमें मैं हरी और लाल दोनों यूज़ कर रही हूँ, तो आप मिर्च वाला पोर्शन ध्यान से करें। अगर आप काफ़ी छोटे बच्चे के लिए बना रहे हैं तो मिर्च आप इसमें ना डालें। और इस तरह से बनाने से बच्चे को एक तो पालक का जो न्यूट्रिशन है बच्चे नॉर्मली नहीं खाते हैं वो मिलेगा, और दूसरा बच्चों की पसंद की चीज़ जो है वो है चीज़, जो हम इसमें बहुत सारा डाल रहे हैं, वो उनको बहुत बढ़िया मिलेगा। तो इसको आप ज़रूर ट्राई करें। सर्दियों का मौसम है, पालक भी इस वक्त बहुत बढ़िया और फ्रेश आ रहा है, आयरन से भरपूर है। और ये देखिए, दूसरा भी मैंने कटलेट तैयार कर लिया है और इसको इस तरह से बनाकर आप सभी कटलेट को एक बार आप बनाकर तैयार करके रख लें। वापसी से ऑयल ग्रीस करें और यदि आपको लगे कि हथेलियाँ ऑयल ग्रीस करने के बाद भी चिपचिपी हो रही हैं तो आप बीच में एक बार हाथ धो लें, हाथ सूखा करें और दोबारा से फिर आप ऑयल ग्रीस करें और इसको बनाएं, तो बहुत अच्छी टिक्की बनकर तैयार होगी, शेप भी उसकी एकदम बहुत अच्छी रहेगी। और ये लीजिए, ये कटलेट तैयार हो गया है। उधर मैंने ऑयल को कम आंच पर गर्म होने के लिए रख दिया है। इतने हम ये कटलेट बनाकर तैयार कर रहे हैं, उधर इनको तलने के लिए ऑयल भी गर्म हो जाएगा। और ये बहुत बढ़िया बनकर तैयार है। इसकी तैयारी आप पहले भी करके रख सकते हैं। और ये देखिए, ऑयल अब यहाँ गर्म हो चुका है, आंच को अब हम मीडियम रखेंगे, यानी मीडियम हॉट ऑयल में कटलेट्स को हम डाल देंगे। एक कटलेट के बाद जब हम दूसरा डाल रहे हैं तो हल्का सा हम एक पॉज लें, जैसा कि मैं अधिकतर अपनी वीडियो में जिसमें भी मैं फ्राई कोई चीज़ कर रही हूँ बताती हूँ, जिससे कि वो दूसरे के साथ चिपके नहीं। और इसको हम लो और मीडियम आंच पर अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। बढ़िया तरह से अलट पलट कर इसको हम फ्राई करेंगे और उसके बाद इसको हम एक पेपर नैपकिन वाली प्लेट पर उतार लेंगे, जिससे कि जो टिश्यू पेपर है वो एक्स्ट्रा जो इसमें ऑयल आया है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। और इसी तरह से हम सभी कटलेट बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, ये मैंने सभी चीज़ी पालक कटलेट बनाकर तैयार कर लिए हैं। इसको मैंने टोमेटो सॉस के साथ सर्व किया है। आप हरी चटनी या टोमेटो सॉस किसी के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। और आइए अब इसको हम प्लेट करते हैं, जिससे थोड़ा सा ये देखने में भी बहुत अच्छे लगेंगे और इसको देखते ही एकदम से इसको खाने का मन करेगा। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें, अच्छी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे साथ अपने जो भी आपके एक्सपीरियंस हैं वो शेयर करें।
और ये देखिए एक कटलेट को मैं तोड़कर आपको दिखा रही हूँ, ये चीज़ देखिए आप किस तरह से मेल्ट हो चुका है और देखते ही मुंह में पानी आ गया है। प्लीज़ इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करें। आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और पिंटरेस्ट पर भी जुड़ सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिए और आपकी जो भी क्वेरीज हैं मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।